हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे बिल इनवॉइस डिजाइन करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप एक बिल इनवॉइस डिजाइन देख रहे हो। ऐसे ही एक बिल इनवॉइस आपको रेडी करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा इस बिल को कैसे रेडी करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। सर्च बार यहाँ पर लिखना है वर्ड, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर शो होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपको सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको सबसे पहले पेज सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो होगा मार्जिन। आपको सिंपली मार्जिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ शो हो रहा है कस्टम मार्जिन। आपको सिंपली कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ऐसे ही एक नया टैब ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर टॉप साइड, बॉटम साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड में आप कितना मार्जिन देना चाहते हो यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैं देना चाहती हूँ 0.2, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे देना चाहती हूँ। तो 0.2 को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए पेस्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर शो होगा साइज, तो आपको साइज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मोर पेपर साइज के ऊपर क्लिक करना है। देखिए क्लिक करते ही एक नया टैब आ जाएगा। यहाँ पर विड्थ और हाइट, आपको जो विड्थ और हाइट चाहिए ये देना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 4.5 और हाइट टाइप करूँगा 5.5। ओके, उसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही देखिए पेज सेटअप रेडी हो गया। उसके बाद आपको डिजाइन पार्ट को स्टार्ट करना है। तो डिजाइन पार्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर शो हो रहा है टेबल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे ही बहुत सारा टेबल का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे रो और कॉलम एंट्री करके भी आप यहाँ पर टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कॉलम लेना है 5 और रो लेना है आपको 9। देखिए 5 9। उसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही दोस्तों ऐसे टेबल इंसर्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, मैं देखिए जूम कर दिया। उसके बाद सिंपली आपको ये फर्स्ट जो रो है इस रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर पेज लेआउट टैब शो होगा। आपको पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो होगा मार्च सेल, तो मार्च सेल के ऊपर क्लिक करके आपको ये सेल को मार्च कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके जो गैप है गैप को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। देखिए इंक्रीज कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर होम टैब पर जाना है और जो साइज है साइज को देख लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है GST नंबर। ओके, GST नंबर को यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर कुछ भी GST नंबर लिख दिया। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस देना है और यहाँ पर लिखना है टैक्स इनवॉइस बिल। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस देना है और यहाँ पर लिखना है डेट। उसके बाद सिंपली .. ऐसे देना है। उसके बाद सिंपली इसको अच्छे से आपको सेटअप करना है। देखिए मैं सेटअप करता हूँ, स्पेस को थोड़ा सा बैक स्पेस करके इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैक स्पेस देके इसको भी रिमूव करता हूँ। देखिए ऐसे आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टैक्स इनवॉइस यहाँ पर शो हो रहा है टैक्स इनवॉइस को आपको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। देखिए मैंने बोल्ड कर दिया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आना है। नेक्स्ट लाइन पे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है आपका जो शॉप या कंपनी का जो नाम है यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर शोविग इंपोर्टेड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया। उसके बाद सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अलाइनमेंट को सेंटर करना है। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अलाइनमेंट को सेंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप Ctrl+E प्रेस करके भी आप सेंटर अलाइन कर सकते हो। देखिए मैंने कर दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको एक अच्छा सा फॉन्ट चूज़ करना है। तो चूज़ करने के लिए आप कोई भी एक फॉन्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। मैं एरियल ब्लैक को ही चूज़ करता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। देखिए ऐसे आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। ठीक है,
इंक्रीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर इसको भी गैप जो है गैप को थोड़ा सा इंक्रीज़ करिए, उसके बाद सिंपली एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। एड्रेस लिखने के लिए आपको सिंपली इंसर्ट टैब पर जाना है। टैब पर जाने के बाद यहाँ पर शो होगा टेक्स्ट बॉक्स, आपको सिंपली टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो फर्स्ट शो होगा सैम्पल टेक्स्ट बॉक्स, ओके इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसे ही एक बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर कुछ भी एक टेक्स्ट रहेगा, तो आपको सिंपली टेक्स्ट को रिमूव करना है। टेक्स्ट को रिमूव करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, तो मेरा जो एड्रेस है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए एड्रेस लिख दिया, उसके बाद सिंपली इसको एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर को भी ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए ऐसे एक फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बॉर्डर शो हो रहा है, तो इस बॉर्डर को आपको रिमूव करना है। तो बॉर्डर को रिमूव करने के लिए इसको बॉर्डर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको फॉर्मेट टैब पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर शेप आउटलाइन शो हो रहा है, तो आपको सिंपली शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नो आउटलाइन सिलेक्ट करना है। नो आउटलाइन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली चले जाना है रैप टेक्स्ट के ऊपर, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, तो इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर आपको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको ऐसे ड्रैग करके आप अच्छे से यहाँ पर सेट कर दीजिए। देखिए अच्छे से सेट कर दीजिए। अच्छे से सेट करने के बाद आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद होम पर जाइए और यहाँ से देखिए थोड़ा सा ज़्यादा गैप शो हो रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए ऐसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देखिए एड्रेस भी रेडी हो गया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ से फिर से इंसर्ट पर जाना है। ठीक है, इंसर्ट पर जाने के बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स सैम्पल यहाँ पर सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट शो हो रहा है टेक्स्ट को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर सेट करना है। देखिए मैं सेट करता हूँ, सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है नेम, यहाँ पर टाइप करना है नेम, ऐसे आपको डॉट देना है। देन आपको यहाँ पर लिखना है एड्रेस, यहाँ पर लिखना है डेट, यहाँ पर लिखना है मोबाइल नंबर, यहाँ पर लिखना है ईमेल। ये रेडी हो गया। उसके बाद सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर जो लाइन और पैराग्राफ स्पेस ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। देखिए सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बॉर्डर शो हो रहा है सेम टू सेम बॉर्डर को आपको रिमूव करना है। बॉर्डर को रिमूव करने के लिए आपको बॉर्डर को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट टैब पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर शेप आउटलाइन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है नो आउटलाइन, ओके। क्लिक करते ही ये जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ज़्यादा स्पेस शो हो रहा है, तो स्पेस को रिमूव करने के लिए आपको सिंपल सा बैक स्पेस को प्रेस करना है। देखिए मैं प्रेस करता हूँ और इसको रिमूव करता हूँ। देखिए बैक स्पेस को प्रेस करने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा गैप वो रिमूव हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर, देन आपको यहाँ पर लिखना है पार्टिकुलर्स, देन आपको यहाँ पर लिखना है क्वांटिटी, उसके बाद आपको लिखना है रेट, उसके बाद आपको लिखना है अमाउंट। इस रो को टोटल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अलाइनमेंट को आपको सेंटर करना है। देखिए अलाइनमेंट सेंटर करते ही ये सेंटर पर आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली ये जो नेक्स्ट लाइन है इसको सिलेक्ट करना है और ऐसे आपको ड्रैग करना है। नेक्स्ट पेज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज हो गया, तो आपको नेक्स्ट पेज नहीं होना चाहिए, आपको पहला वाला पेज के अंदर ही रहना चाहिए। देखिए हो गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर लास्ट जो रो है इस लास्ट रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब पर जाना है, यहाँ पर आपको मार्सल कर देना है। मार्सल करने के बाद दोस्तों उसके बाद यहाँ पर लिखना है सिग्नेचर, और जो सिग्नेचर का गैप है सिग्नेचर का गैप थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अप साइड में ड्रैग करना है। ड्रैग करते ही यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। उसके बाद सिंपल सा आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देखिए सिग्नेचर का जो गैप है यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो होगा टेबल प्रॉपर्टीज, आपको टेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो होगा सेल, ओके सेल शो होगा, तो आपको यहाँ पर सेल जो यहाँ पर शो हो रहा है टॉप सेंटर बॉटम, आपको बॉटम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही देखिए सिग्नेचर जो टॉप था बॉटम हो गया। उसके बाद सिंपली स्पेस देते हुए इसको राइट साइड में लाना है।
देखिए राइट साइड आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पर जो उसके ऊपर में जो रो है इस रो को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर लेआउट में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से मार्सल करना है। मार्सल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इन वर्ड, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है टोटल, यहाँ पर आपको लिखना है GST, उसके बाद आपको लिखना है फिर से डिस मतलब डिस्काउंट, GST.dis, देन आपको यहाँ पर लिखना है टोटल, ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर जो गैप है, ये पहला वाला गैप, सेकेंड गैप, थर्ड गैप, फोर्थ गैप, इसको आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देखिए ऐसे ही आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आप बॉटम साइड में आना है और यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लेआउट पर जाना है और यहाँ पर मार्सल पर क्लिक करना है। सिंपली इसको भी सिलेक्ट करना है, लेआउट पर जाना है और मार्सल पर क्लिक करना है। सिंपली इसको भी लेआउट पर जाना है और मार्सल पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सा इसको सिलेक्ट करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। देखिए बोल्ड करने के बाद ये अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर को भी आप बोल्ड कर दीजिए, ओके, सिग्नेचर को भी बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो जो था इसको भी बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इन वर्ड को भी आप बोल्ड कर दीजिए, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर शेप्स ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से एक सिंपल सा लाइन लेना है। लाइन लेने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके ऐसे आपको राइट साइड में ड्रैग करना है। देखिए ड्रैग करने के बाद ये नीच साइड में आ जाएगा, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर टॉप साइड में आपको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद इस लाइन को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद शेप आउटलाइन पर जाइए और यहाँ पर वेट, वेट शो हो रहा है, आपको कोई भी एक वेट को आपको सिलेक्ट करना है, तो आप कोई भी एक वेट सिलेक्ट कर लीजिए और आपके हिसाब से यहाँ पर से आप आउटलाइन पे जाके अब जो आपको जो कलर पसंद है उस हिसाब से आप कोई भी एक कलर ले लीजिए। कि बैकग्राउंड में कोई कलर देना है तो कलर देने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर कोई भी एक जगह पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली डिजाइन जो टैब है, डिजाइन टैब पर आपको क्लिक करना है। डिजाइन टैब पर क्लिक करते ही यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा पेज कलर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कोई भी एक कलर को यहाँ पर चूज कर लेना है। देखिए कोई भी एक कलर को मैं चूज कर लेता हूँ, और मान लीजिए मैं येलो चूज़ कर लेता हूँ, ओके, येलो को चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम शो हो रहा है। आप यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था, तो उस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है, तो आपको सिंपली टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर सेव जो फील है, यहाँ पर सेव फील के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है नो फील। देखिए नो फील सिलेक्ट करते ही यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम टू सेम येलो आ गया और इसका जो व्हाइट बैकग्राउंड कलर था वो रिमूव हो गया। यहाँ पर भी सेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाना है, उसके बाद सेव फिल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नो फिल हो जाएगा। देखिए उसके बाद एक अच्छा सा डिजाइन हमारे पास रेडी हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका बिल इनवॉइस डिजाइन है ये रेडी हो गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी सेम टू सेम बिल डिजाइन रेडी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।